क्षत्रिय समाज के घर के बाहर से दलित समाज जूते पहनकर चप्पल पहनकर या घोड़ी पर बैठकर नहीं निकल सकता है, उनके दिमाग में इतना जहर दलितों के प्रति भरा किसने? वो चपेट लगेंगे आपके गाल के नीचे, जिंदगी भर आप पछताएंगे कि इस समाज से मैंने पंगा क्यों लिया। इस तरह के बहुत से मुद्दे सामने आए हैं और मैं अक्सर इस तरह के मुद्दों पर वीडियो बनाने से बचा हूं। उसकी एक ही वजह है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के आपराधिक किस्म के लोग बहुजन समाज के घर घर तक समतावाज टीवी के माध्यम से अपना घर बनाएं या अपनी पहचान बनाएं। लेकिन मुद्दा ऐसा हो गया है कि आज मुझे ऐसे इस विषय पर वीडियो बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस विषय पर क्यों मैं वीडियो बना रहा हूं, उसकी वजह है, पहले मैं एक ट्वीट पढ़कर आपको दिखाता हूं। लिखा है, अब तो गिरफ्तारी होकर रहेगी, आर्म्स एक्ट और 307 भी लगेगा, SC ST एक्ट तो है ही, बहुत लंबा जेल जाएगा, खेल खत्म। आश्चर्य है, बाबा अपने सगे भाई का भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं था। ये ट्वीट किया है वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने, आप बराबर में उसका स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। और उनको क्यों ट्वीट करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बागेश्वर धाम के भाई ने जिस तरह से हमारे परिवार की एक शादी में, हमारे परिवार की एक बेटी की शादी में घुसकर नशे में धुत होकर सिगरेट हाथ में जलाकर और बंदूकें लहराते हुए गाली गलौज की है, माँ बहन की गालियां दी हैं, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जघन्य अपराध ये कर बैठा। 2 अप्रैल शायद इसको याद नहीं है, अगर 2 अप्रैल इसको पता होता तो शायद ये भूल कर भी उस गली में ना जाता जिस गली में हमारी बहन बेटियों की शादियां हो रही थी, या उस गली में जिस गली में हमारा समाज रहता है। बहुत से दलित चिंतक व दलित एक्टिविस्टों ने इस पर अपनी वीडियोस बनाकर डाली हैं। ये समाज को चेताने की कोशिश भी की है कि इस तरह के लोग जब कभी हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर इस तरह की घटनाएं या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उसका क्या हर्ष होता है। वही हर्ष अब इसका होने वाला है। पहले सुनिए इस शालिग्राम के भाई धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान जो अंध भक्तों की आंखें खोल देगा। जो बीज डालोगे वो काटना पड़ेगा, आप जो बीज बोओगे वो वृक्ष बनकर के बरगद वृषाल काय वृक्ष बनकर के प्रकट होगा, आपको वो काटना पड़ेगा। सावधान, भगवान ने आपको जो क्रोध दिया है वो परिवार की विनाश के लिए नहीं, आप क्रोध का सदुपयोग करो। अगर क्रोध आता भी है ना, अच्छा किसी को गुस्सा आ रहा हो बहुत ज्यादा, तुम पर वो गुस्सा, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम भी आंखें लाल करो। तुम्हें हम बढ़िया उपाय बता देते हैं, कोई बहुत क्रोध में हो, एकदम कांप रहा हो, जब व्यक्ति ज्यादा गुस्सा होता है तो एकदम वाइब्रेट होने लगता है, वाइब्रेशन उसकी बॉडी का शुरू हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो, की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए, इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री है जो कल तक कह रहा था कि तुम मुझे साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। आज अंधभक्तों का पापा बोल रहा है देश भारतीय संविधान से चलेगा। इसके चेहरे पर, इसके माथे की शिकन और इसके बोलने का जो घबराया हुआ अंदाज है वो इसे बता रहा है कि आज इसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है। और बेटा कितना पिटेगा, कितना छिटेगा, तेरे को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं है। अभी तक ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी समाज के लोगों को बेवकूफ बनाकर दलित समाज के ऊपर उन्हीं हमारे भाइयों के द्वारा अत्याचार कराते रहे हैं। अब आप सोचिए, जो क्षत्रिय समाज के घर के बाहर से दलित समाज जूते पहनकर, चप्पल पहनकर या घोड़ी पर बैठकर नहीं निकल सकता है, उनके दिमाग में इतना जहर दलितों के प्रति भरा किसने? ओबीसी समाज के लोग, जो ओबीसी समाज की बड़ी जातियां हैं, उनके घर के बाहर से दलित समाज के लोग नहीं निकल पाते हैं, उनके दिमाग में जहर किसने भरा है? आप समझ सकते हैं ये ब्राह्मण कितना तेज, चंट और चालाक है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, इसीलिए माननीय साहब काशीराम कहते थे, चवन्नी का भी इनको हकदार मत बनाना।
कई हजार वर्षों से ये ब्राह्मण समाज के लोगों के जो जो पंडित पुजारी हैं उनकी रोजी रोटी जो चल रही है ओबीसी समाज ठाकुर समाज के द्वारा और दलित समाज के चंदे से जो रोटी चल रही है, अब इनको वो डर सताने लगा है कि हमारी रोजी रोटी और हराम का बैठकर खाने की जो इनकी आदत है, जो इनकी तोंद फूल रही है, जो इनके मोटे पेट हो गए हैं, अब वो कहीं ना कहीं पतले ना होने लग जाएं। इनको जो आर्थिक जो इनकी उन्नति है, जिससे आर्थिक उन्नति इस देश के अंदर पाखंड और अंधविश्वास को फैलाकर इनकी हुई है, वो इनके जमीन इनके पैरों के नीचे से वो जमीन निकलती नजर आ रही है। आप सोचिए कि अब इस मुद्दे को पूरे देश के अंदर जब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार मिल रहा है, तो ये पाखंडी माफी मांगने पर और कह रहा है कि जिसने जो दंड किया है उसको मिलना चाहिए, देश संविधान से चलेगा। ये है बाबा साहब के डंडे की ताकत, बाबा साहब के संविधान की ताकत। और बाबा साहब ने जो पुलिस कर्मियों को जो डंडा दिया है, अधिकार जो दिए हैं संविधान के तहत, कोई गलत कर बच नहीं सकता। पर अब तो इसने, मैं इस शब्द को बड़ा बहुत कम इस शब्द को यूज करता हूं, कि अब तो इसने चमारों के घर में हाथ डाला है। 2 अप्रैल पूरे देश के अंदर 13 लोग शहीद हुए थे अपने SC ST एक्ट को बचाने के लिए। ये वो समाज है जो अपने मान सम्मान के लिए देश बंद कर सकता है। पूरे विश्व में इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं है और आप लोग इस बात को भूल गए। अब आप देखिए कि किस तरीके से बागेश्वर धाम की एक एक ईंट को ये समाज जड़ से उखाड़ देगा। ये जो आप हमारे ही समाज की बहन बेटियों को ज्ञान पेल कर करोड़पति अरबपति बन गए हैं, अब वो सारा पैसा अब आप पुलिस को देते रहना, न्याय मांगने में खर्च करते रहना, लेकिन न्याय आपको मिलेगा नहीं, जमानत जब्त होगी, जेल जाएगा। और सोचिए, हथियार रखने का मुकदमा है, गाली गलौज करने का मुकदमा है, और SC ST एक्ट के अंदर तो आपको बेल भी नहीं मिलेगी जो साक्ष्य सामने आए निकल कर उनके आधार पर। सुधर जाइए। मैं हमेशा अपनी वीडियो में इस तरह की जब वीडियो बनाता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ, सुधर जाइए। इस देश का प्यार, इस देश के अंदर अमन चैन सौहार्द को बनाकर रखिए। आपकी बातों को लाखों लोग सुनते हैं और आप वीडियो में कहते हैं छी 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 छूत 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 मेरे पैर में छू। कितने शर्म की बात है, जिन लोगों से आपका धंधा चलता है, जो लोग आपके अंदर आस्था रखते हैं, जो लोग आपके अंदर अपना अपना भगवान देखते हैं, उन लोगों के साथ आप इस तरह की घटना करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू और पानी में आपको। इस देश के लाखों लोगों ने आपको इस देश का हीरो बनाया है और आप इस तरह की घटनाएं करते हैं। क्या जरूरत थी आपको उस सामूहिक शादी में जाने की? क्या जरूरत थी आपके भाई को वहां पर जाकर बदमाशी दिखाने की? निकल जाएगी सारी बदमाशी पिछवाड़े से, चिंता ना करें, नजर रखें। अब ये बहुजन एक्टिविस्टों की जो फौज है ना, वो आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। वो चपेट लगेंगे आपके गाल के नीचे, जिंदगी भर आप पछताएंगे कि इस समाज से मैंने पंगा क्यों लिया, इस स्वाभिमानी समाज से मैंने पंगा क्यों लिया, इस समाज के स्वाभिमान को मैंने क्यों छेड़ने की कोशिश की। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, जिस दिन मेरा समाज अपने स्वाभिमान को पहचान लेगा, उस दिन बड़े बड़े पहाड़ पैर के अंगूठा लगते ही टूट कर गिर जाएंगे। आज वही समय आ गया है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।